दोस्तों, हम हमेशा अपनी जिंदगी में कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत बार उस पर सोचते हैं और हमें सोचना भी चाहिए, पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि ज्यादा सोचने से इरादों में कमी आती है। जी हाँ, आपने सही सुना, ज्यादा सोचने से इरादों में कमी आती है। इसीलिए कम से कम सोचकर सबसे पहले उस पर एक्शन करना चाहिए। एक बहुत बड़े विद्वान ने, एक बहुत बड़े जो फेमस पर्सनैलिटी है, उन्होंने भी कहा है, वो कहते हैं, इफ यू स्पेंड टू मच टाइम थिंकिंग अबाउट अ थिंग, किसी भी चीज पर सोचने के लिए बहुत ज्यादा आप समय देते हो उसको सोचने में, यू विल नेवर गेट इट डन, वो आप कभी कर नहीं पाओगे। मतलब किसी भी चीज के लिए आप कम सोचिए और उस पर एक्शन ज्यादा कीजिए। आपने अगर मूवी कभी भी अगर देखी होगी तो उसमें तो जोकर है, जोकर ये बोलता है कि अगर तुम मर जाओगे, सामने वाले को बोलता है वो, अगर तुम मर जाओगे तो मैं उसके बाद क्या करूंगा। मतलब कि वो अपनी जर्नी को एंजॉय करता है, कुछ भी काम करने से पहले वो बहुत ज्यादा सोचता नहीं है, इसीलिए उस काम को कर पाता है। और आपके पास एक एग्जांपल और भी है, जैक स्पैरो का। सभी ने मूवीज ये देखी होगी, जैक स्पैरो, आप में से ज्यादातर लोगों ने ये मूवी देखी भी होगी जिसमें कि जैक स्पैरो सिर्फ अपने उस समुद्र में जो घूमना, जो उसकी लाइफ को स्पेंड करना और वहीं की जो एक्टिविटीज है उन्हें वो एंजॉय करता है, इंजॉय करता है और ज्यादा सोचता नहीं है। ज्यादा सोचने वाला काम वो दूसरों को देता है और अक्सर जब भी कभी वो किसी भी मैस में फंस जाता है तो वहां से वो बच निकलता है, सिर्फ इसलिए कि सोचता कम है। जिस भी चीज में आप बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं वहीं से आपका वो काम ना होना शुरू हो जाता है। कभी भी जीवन में कुछ भी काम आपको करना है, सोचिए, अपने सीक्रेट्स बनाइए और अपने आप से बातें कीजिए। अपने आप से बातें करने के बाद आप उस पर एक्शन कीजिए। आप मूवी देखिए KGF, फर्स्ट पार्ट देखो, सेकंड पार्ट देखो, बहुत कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। अगर आप भी एक महत्वाकांक्षी इंसान है, अगर जिंदगी में आगे बढ़ने की आपने कसम खा ली है, अगर आपने वादा किया है अपने आप से कि आपको अपनी जिंदगी को आप उस तरीके से नहीं काटोगे जो एक नॉर्मल लेमैन की जिंदगी या फिर किसी एक ऐसे इंसान की जिंदगी हो जिसका जिंदगी में कोई मकसद ही नहीं, कोई टारगेट ही नहीं, ऐसी जिंदगी अगर आप जीना नहीं चाहते हो तो आपको एटीट्यूड में आना पड़ेगा। आपसे बड़ा आपका साथी कोई हो नहीं सकता, आपसे अच्छा एडवाइजर आपके लिए कोई नहीं हो सकता, आप खुद अपने आप के एडवाइजर बनिए। क्योंकि आप सलाह भी सिर्फ उन लोगों से मांगने के लिए जाते हो जो खुद कोई सलाह देने लायक नहीं है। अपने देश में, हिंदुस्तान में, लोग सलाह ज्यादा देते हैं, लोग साथ कम देते हैं। वो साथ नहीं देंगे, सलाह तो देंगे पर सलाह भी वो ऐसी देंगे जो किसी काम की नहीं होगी। तो बेहतर है अपने प्लान्स लोगों को बताएं नहीं, अपने प्लान्स पर खुद काम करें। अगर आप लड़कर आगे आए हो, अपने एफर्ट्स लगाकर आए हो तो अगला सामना आपके एक्सपीरियंसेस से होता है, आप कितने एक्सपीरियंस्ड हो। और हमेशा से हर चीज खरीदी नहीं जा सकती, उसी तरह से जो आपका करेज है, जो आपकी डेयरनेस है, जो बुद्धिमानी है, विजडम है, ये सब चीजें खरीदी नहीं जा सकती, ये चीजें अर्जित करनी होती हैं। इन सब चीजों के लिए अपनी जीतोड़ मेहनत करनी होती है, इन चीजों के लिए अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ के बहुत ही ज्यादा सुनहरे जो वक्त होते हैं, पल होते हैं, उन्हें दाब पर लगाना होता है। और जो ज्यादा सोचते हैं वो हमेशा समस्याओं के गुलाम हो जाते हैं। समस्याओं का जो इंसान गुलाम होता है वो कभी भी अपने भाग्य का निर्माता नहीं होता। बहुत ही ज्यादा प्लानिंग मत कीजिए, जितनी ज्यादा प्लानिंग्स करते हैं, प्लानिंग्स अक्सर फेल हो जाती है। रात को आप पूरी पूरी रात सोचते हैं कि अगले दिन सुबह मैं ये करूंगा या फिर ये करने के बाद में ये चीजें मुझे अचीव होंगी, अचीवमेंट से मैं अपनी लाइफ को आगे चलाऊंगा, मेरा नाम होगा। सुबह होते होते वो सारे जो आपने महल, सपनों के महल बनाए होते हैं, सभी गिर जाते हैं। दोस्तों, आपको अपने जीवन में खुद अकेले ही फाइट करना होगा, अकेले ही आगे बढ़ना होगा। कर्तव्य पथ जो हमारे इस चैनल का नाम है वो इसीलिए है। आप इन कुछ लाइनों को हमेशा याद रखें, जिंदगी में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, क्या हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही और वो भी सही, पर हार मानूंगा नहीं, हार नहीं मानना है। आप अगर हार जाओगे तो वहीं से अंत शुरू हो जाएगा। आप जब भी हारते हैं एक नई प्लानिंग के साथ, एक नए एफर्ट्स के साथ उसी काम को दोबारा शुरू कर दीजिए। लोग तो चाहते हैं कि आप गिरें, कोई भी आपके सपोर्ट में खड़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप, और आप ही अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करेंगे। एक वक्त के बाद तो खुद आपका जो साया है, आपकी परछाई, वो आपका साथ छोड़ जाती है अंधेरे में। तो आप किस पर उम्मीद कर सकते हैं, आप किसके लिए सोचते हैं? आप अगर ये सोचते हैं कि मेरा ही पड़ोसी, मेरा दोस्त, मेरे घर के लोग या रिश्तेदार मेरी मजाक उड़ाएंगे अगर मैं कुछ करूंगा, तो आप ये भी समझ लीजिए कि अगर आप गिरते हैं तो वो आपको उठाने भी नहीं आएंगे। उनके बारे में आप सोचिए नहीं,
कम सोचिए, काम ज्यादा कीजिए, और ज्यादा सोचोगे तो आपके इरादों में कमी आएगी। इसलिए कम से कम सोचकर अपने एक्शंस को स्टार्ट कर देना चाहिए। सोचने से प्लानिंग करना कोई गलत चीज नहीं है, उसका एक ब्लूप्रिंट रेडी करना कोई गलत चीज नहीं है। प्लानिंग्स आप कीजिए, बट वो प्लानिंग्स और वो वादा सिर्फ अपने आप से कीजिए, अपने दिल से कीजिए। एक वक्त आएगा वही प्लानिंग्स और वही खुद से किया गया वादा आपको जिंदगी के एक अलग ही मुकाम पर ले जाएगा, और जो वो सक्सेस होगी वो देखने लायक होगी और लोग आपकी तारीफ करेंगे और खुद आपको फॉलो करेंगे। दोस्तों, ऐसे लोगों को क्या फॉलो करना या ऐसे लोगों से क्या एडवाइस लेना जो खुद अपनी लाइफ में कुछ आगे नहीं निकल पाए। ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे फ्री की एडवाइस देने वाले। बेहतर होगा आप उनसे बचें और अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद लें, और अपने डिसीजंस जो भी आपने लिए, हारे या जीते, उसकी जिम्मेदारी भी आप खुद लेंगे। मेरा मानना है कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कुछ मोटिवेशन जरूर मिला होगा, और अगर मोटिवेशन मिला हो तो मेरी रिक्वेस्ट है मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को मोटिवेटेड रख सके, और साथ ही जीवन में क्या करना चाहिए, किस तरह जिंदगी को जीना चाहिए, इस कर्तव्य पथ पर क्या क्या आपके कर्तव्य हैं, और खुद से किया गया वादा आप किस तरह से पूरा करेंगे।